वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू डिजिसोल के न्यूली लॉन्च्ड एक्सपॉन ONU राउटर का। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक ONU राउटर परचेज करने के बारे में, फिर चाहे आपको उसे यूज करना हो होटल्स में, ऑफिस में, या फिर अपने होम फाइबर कनेक्शन के लिए, तो डिजिसोल का जो प्रोडक्ट हमारे पास है एक्सपॉन ONU राउटर, ये आपके लिए काफी बढ़िया एक ऑप्शन बन सकता है। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास बॉक्स, छोटा सा कॉम्पैक्ट बॉक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है डिजिसोल एक्सपॉन ONU। कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। डुअल मोड यहाँ पे एक्सपॉन आपको मिल जाता है, लैंड पोर्ट है, वन वॉइस पोर्ट है, 3 ईयर्स की वारंटी है, एंड ये आप देख सकते हैं TEC की सर्टिफिकेशन भी आती है। लेफ्ट साइड आप आएंगे बॉक्स के, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है जो है डिजिसोल कैश करो लॉयल्टी प्रोग्राम। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये इस लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। आप लोगों को जस्ट इस QR कोड को स्कैन करना है और आपको इस प्रोडक्ट के थ्रू पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। काफी बढ़िया सा ये बॉक्स है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे ऊपर आपको मिलेगी क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। यहाँ पे सेटअप से रिलेटेड डिटेल में सारी इन्फो शेयर कर दी गई है। देन वी हैव डिजिसोल एक्सपॉन ONU राउटर। ये आप देख सकते हैं काफी छोटा सा है, कॉम्पैक्ट इन साइज है। बॉक्स के कंटेंट्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा एक पावर अडेप्टर। ये 12 वोल्ट DC अडेप्टर है जिसको यूज करके आप अपने ONU राउटर को पावर देंगे। उसके बाद बॉक्स में कुछ नहीं है। अब चेकआउट करते हैं अपने राउटर को। सो राउटर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे सामने की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिजिसोल। नीचे की तरफ कुछ इंडिकेशंस दी गई हैं, इनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। राउटर के बैक साइड आते हैं तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला पोर्ट दोस्तों यहाँ पे PON का पोर्ट है। इस पोर्ट के अंदर दोस्तों आपको अपनी ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल होती है इंटरनेट की, उसे इंसर्ट करना होता है। नेक्स्ट पोर्ट देन यहाँ पे आ जाता है एक लैन का पोर्ट, जो कि गीगाबिट लैन पोर्ट है। यानी कि 1000 Mbps तक की स्पीड आपको इस लैन के पोर्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FXS का पोर्ट दिया गया है। इस पोर्ट को यूज करके आप अपने लैंडलाइन कनेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में बात करें तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन दिया गया है, जिसको यूज करके रीसेट हो जाता है। देन वी हैव DC 12 वोल्ट इनपुट। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, जो कि काफी कमाल की चीज है। और यहाँ पे इस राउटर की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। यहाँ पे डिफॉल्ट IP भी मेंशन है, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी है। इसे आपको सेटअप के टाइम पे यूज करना है। चलिए अब सेटअप की बात कर लेते हैं, आपको कैसे इसमें IP कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है। तो दोस्तों राउटर के बैक साइड पे आपको एक IP एड्रेस दिखाई दे रहा है और यूजर नेम और पासवर्ड भी वहाँ पे मेंशन है। वो IP एड्रेस जस्ट आपको एंटर कर देना है अपने ब्राउजर में, जो कि है 192.168.3.1। एंटर कर देंगे तो डिजिसोल का पेज ओपन हो जाएगा। देन हम यहाँ पे एडमिन डालेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे जो बैक साइड पे मेंशन्ड है। उसके बाद कैप्चा डाल दीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। ओल्ड पासवर्ड डालिए और न्यू पासवर्ड सेट कर लीजिए। न्यू पासवर्ड डाल देते हैं, सबमिट कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। दोबारा लॉगिन करेंगे नए पासवर्ड के साथ, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे साइड में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला पेज है स्टेटस का, यहाँ पे आपको डिवाइस का इन्फो दिखाई दे रहा है। उसके बाद वैन का इन्फो आपको मिलेगा। देन वी हैव PON इन्फो। डिवाइस की इन्फो के अंदर आप देख सकते हैं CPU की यूजेज दिखा रहा है, मेमोरी यूजेज दिखा रहा है, सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। आपको जाना है नेटवर्क के ऑप्शन पे और वैन पे क्लिक करना है। वैन के पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वैन कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। कनेक्शन के नेम पे जाइए और यहाँ पे आपको एक इंटरनेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। मोड में जाएंगे तो आप रूट के मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कनेक्शन के मोड में देखिए PPOE दिखाई दे रहा है, तो PPOE पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, साथ ही साथ सर्विस नेम भी एंटर करना है। ये वो डिटेल्स हैं जो आपको अपने ISP के थ्रू मिलती हैं। तो यूजर नेम हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद सर्विस नेम में हम एक्साइटल डालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्साइटल ब्रॉडबैंड है। देन आपको सर्विस मोड में इंटरनेट ही रहने देना है और नीचे आएंगे आप। उसके बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कुछ यहाँ पे टाइम लगेगा कॉन्फ़िगरेशन को होने में, उसके बाद आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी एडवांस सेटिंग्स के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी का पेज आता है, जिसके अंदर आपको URL फिल्टरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देन वी हैव फायरवॉल, तो प्रोटेक्शन वगैरह भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अटैक प्रोटेक्शन यहाँ पे आप ऑन रख सकते हैं। उसके बाद लॉगिन प्रिविलेज है। देन वी हैव मैक फिल्टरिंग, पोर्ट फिल्टरिंग भी आपको मिल जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। VOIP एडवांस सेटिंग्स हैं, मल्टीकास्ट सेटिंग्स हैं। मैनेजमेंट के पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे आप यूजर के मैनेज वाले पेज पे जाएंगे तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। डिवाइस मैनेज पे जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी अगर अपग्रेड वगैरह आता है तो आप उसको कर सकते हैं। डिवाइस के पेज पे आप आएंगे तो फर्मवेयर पे कोई भी अपग्रेड अगर आता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अदर के मैनेज के पेज में आपको दिखाई दे रहा है PON ऑटो स्विच का ऑप्शन, इसको आप ऑन रख सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा
आपकी फाइबर कनेक्शन के मोड के ऊपर कि वो GPON है या फिर EPON है। लास्ट सेटिंग आपको दिखाई दे रही है डायग्नोस्टिक की, यहाँ पे आप नेटवर्क का डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, पिंग टेस्ट भी यहाँ पे हो जाती है। सेटअप के दौरान कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, काफी इजीली आप अपने ONU राउटर को सेटअप कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट भी दोस्तों करके देख लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कमाल की स्पीड्स निकल के आ रही हैं, और ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं। 200 Mbps का हमारा यहाँ पे प्लान है, और आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड निकल के आई है 220 Mbps के आसपास, और अपलोड स्पीड भी आप लोग देख सकते हैं 200 Mbps को क्रॉस कर गई है, 204 Mbps के आसपास यहाँ पे स्पीड आई है। तो मानना पड़ेगा कि स्पीड टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी शानदार हैं। फीचर्स की दोस्तों बात करते हैं, तो इस ONU राउटर के अंदर सबसे पहला फीचर आता है गीगाबिट पोर्ट का। यहाँ पे आपको दिया जाता है 1 Gbps पोर्ट, जिसमें आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है 1000 Mbps की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की स्पीड है। अगर आपके पास जो इंटरनेट प्लान है वो 1 Gbps तक की स्पीड ऑफर करता है, तो आपके लिए ये वाला ONU राउटर काफी कमाल का ऑप्शन बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 1 fixed line का पोर्ट फॉर VoIP कनेक्शंस। तो अगर आप एक टेलीफोन की कनेक्टिविटी के फीचर को भी यूज करना चाहते हैं तो इस राउटर के अंदर वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यहाँ पे आपको XPON डुअल मोड की टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि इस ONU राउटर के अंदर आप EPON साथ ही साथ GPON के फाइबर कनेक्शंस जो होते हैं उनको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको दो तरह के फाइबर कनेक्शंस का सपोर्ट मिल जाता है बिकॉज ये XPON ONU राउटर है। अगले फीचर की बात करें तो ये जो ONU राउटर है ये दो तरह के मोड को सपोर्ट करता है। पहला मोड आता है आपका ब्रिज का मोड, सेकंड मोड यहाँ पे आता है रूट मोड। रूट मोड में आपको PPOE, DHCP एंड स्टैटिक IP का सपोर्ट मिल जाता है। सर्टिफिकेशन भी इस ONU राउटर की काफी कमाल की है। ये जो ONU राउटर है डिजिसोल का, ये TEC सर्टिफाइड है। बॉक्स के ऊपर भी आपको TEC की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है। वारंटी की बात करें तो डिजिसोल का ये XPON ONU राउटर 3 years की वारंटी के साथ आता है। साथ ही साथ ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी है, तो वो भी काफी कमाल की चीज है। स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स की बात की जाए तो काफी कमाल की स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये XPON ONU राउटर है, साथ ही साथ 1 Gbps तक की स्पीड को ये सपोर्ट कर लेता है। अगर आपके पास भी एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है तो इस डिजिसोल XPON ONU राउटर के साथ आप आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक परफेक्ट XPON ONU राउटर ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे आपको इसे यूज करना हो होटल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या फिर अपने होम वाईफाई कनेक्शंस के लिए, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी गई हैं, वहां से जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।